संजू सैमसन ने किसकी भैंस भगा दी है बीसीसीआई में या कहीं इंडियन टीम मैनेजमेंट में जो उस बेचारे के साथ ये किया जा रहा है? आर यू श्योर कि हमारे पास और कोई टैलेंटेड प्लेयर ही नहीं है? क्योंकि आई थिंक हम सारे अगर पिचिंग करेंगे जो भी हमारी वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होंगी, किसी ना किसी एक की तो सही होगी फॉर श्योर। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। वो डिसअपॉइंटिंग T20 वर्ल्ड कप के बाद हमारी पहली ऑफिशियल T20 सीरीज खत्म हो चुकी है। अपेरेंटली हम पूरे साल में कोई भी बायलैटरल T20 सीरीज नहीं हारे हैं, सारे बायलैटरल सीरीज में हमने अच्छा किया है T20 से रिलेटेड। वो जो एक इम्पॉर्टेंट था वर्ल्ड कप वो हार गए बस, बाकी तो ऑल गुड। बट टू बी फेयर ये वाला जो सीरीज था द न्यूजीलैंड सीरीज जो हम 3 मैच का सीरीज 1-0 जीते हैं, पहला मैच धुल गया, दूसरा मैच हम जीते कन्विंसिंगली, तीसरा मैच हम लोग पार स्कोर पे थे DLS पे जब बारिश आई सेकेंड इनिंग में और उस वजह से टाई हो गया और हम 1-0 ये सीरीज जीते। दिस सीरीज वॉज सपोज टू बी स्लाइटली इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये सीरीज वो थी जहां हमें एक फ्यूचर का आइडिया, एक अगली आने वाली आइडेंटिटी फॉर इंडिया का T20 में खासकर, और आगे के विजन का थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए था और हमें मिलना चाहिए था कि आगे किस तरह की दिख सकती है टीम एंड पॉसिबली अंडर द न्यू कैप्टन हार्दिक पांड्या। पर ठीक है, जीते हम, परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा रहा, पर क्वेश्चंस काफी सारे छोड़ गए ये सीरीज भी। एंड फिर से ऐसा लग रहा है यार कुछ मिस है, अभी भी कुछ मिसिंग है। आप ऐसा नहीं लग रहा कि इमीडिएटली कोई लेसन सीखे हम बहुत सारे। सबसे पहला क्वेश्चन, संजू सैमसन ने किसकी भैंस भगा दी है बीसीसीआई में या कहीं इंडियन टीम मैनेजमेंट में जो उस बेचारे के साथ ये किया जा रहा है? अगर आप बोलो, अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखो, पिछले काफी टाइम से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप IPL भी देखो तो भी अगर आप यार्ड स्टिक लेके चलते हो कि जी T20 टीम में आने के लिए आपको IPL में अच्छा परफॉर्म करना है, तो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो। इस बार टीम के कैप्टन भी थे राजस्थान रॉयल्स के, वहां पे लीड करते हुए भी टीम को अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। इंडिया के लिए जब जब उन्हें चांसेस मिले, अनफॉर्चुनेटली बहुत कम ऐसे गैप में मिलते हैं उन्हें चांसेस, बट जब जब उन्हें चांसेस मिले ऐसा नहीं है कि उन्होंने डिसअपॉइंट किया हो। अब एक आधा मैच तो सबका खराब होगा, पर लगातार अगर देखो उनका इंडिया का रिकॉर्ड, अगर देखो अच्छा खासा एवरेज है उनकी, अच्छा खासा स्ट्राइक रेट पे। उनको फिर से चांस ना मिलना यहाँ तो डेफिनेटली खिलाना बनता था, उनको फिर से चांस ना मिलना काफी ज्यादा शॉकिंग है और काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि बहुत सारे उनसे बेटर प्लेयर पड़े थे इस टीम में। अगर आप उनसे जो आगे खेले, ठीक है हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव अगर बैट्समैन की बात करें तो उन दोनों ने खेलना ही था फॉर श्योर, नो डाउट। दीपक हुडा को एक आप बैटिंग ऑलराउंडर की तरह ग्रूम कर रहे हो, उनका बैटिंग बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली अच्छा नहीं रहा है कुछ टाइम से, बट उनको चांसेस भी लोअर मिडिल ऑर्डर में मिल रहे हैं, उनको बैटिंग ऑलराउंडर की तरह ग्रूम किया जा रहा है तो ठीक है, उनको भी चांस मिलना बनता था। पर जो बाकी 3 प्लेयर खेले हैं संजू सैमसन से ऊपर, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है नहीं, उनके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं नहीं पिछले कुछ टाइम से, पर उन्हें फिर से चांस मिला ताकि वो प्रूव कर पाए अपने आप को, अपने टैलेंट को। टैलेंट को कोई डाउट नहीं कर रहा है, पर संजू सैमसन ने क्या बिगाड़ दिया है जो उनको कभी चांस नहीं मिलता टैलेंट को प्रूव करने का? जो 3 बैट्समैन की बात कर रहा हूं, सबसे पहले ईशान किशन, अगेन टैलेंट को डाउट करना पॉसिबल नहीं है उनके, ही इज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, पर बहुत क्लियरली दिखता है कि वो स्ट्राइक रोटेट करने को स्ट्रगल करते हैं, और स्पेशली ऐसी जगहों में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और इस टाइप के पिचेस पे। इंडिया में आपका चल जाता है 2-3 डॉट खेला, अगर छक्का मार दिया, फिर 1-8 डॉट खेला, फिर चौका मार दिया, पर ऐसी जगहों पे जहां आपको लगातार ऐसे चांसेस नहीं मिलते जाएंगे, पिचेस अच्छी हैं, बॉलर्स को हेल्प मिलती है, आपको स्ट्राइक रोटेट करने में अडेप्ट होना पड़ेगा, और वहां पे ईशान किशन कई बार स्ट्रगल करते दिखते हैं। ऐसे में अगेन कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं मैं, बट एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर अगर आपको एक डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन चाहिए जो कि ऑलराउंड थोड़ा सा डेवलप हो ऑलरेडी, ईशान किशन अभी भी डेवलपमेंट में है, काफी टाइम से खेल रहे हैं बट अभी भी उनका दिखता है कि परफेक्शन नहीं है ऑलराउंड में। संजू सैमसन को टॉप ऑफ द ऑर्डर पे चांस क्यों नहीं दे सकते हो आप ऐसे में? कमिंग टू द सेकंड बैट्समैन श्रेयस अय्यर, अगेन वेरी गुड बैट्समैन, वेरी टैलेंटेड बैट्समैन, उन्होंने प्रूव किया अपने आप को ओवर द इयर्स काफी अलग अलग कंडीशन में, उन्हें भी चांसेस ऐसा नहीं होता कि लगातार बहुत सारे मिल जाते हैं, पर जब मिलते हैं वो अच्छा करते हैं, नो डाउट। पर पिछले कुछ टाइम से सारी दुनिया के बोलर्स को समझ आ गया है कि उनकी जो एक वीकनेस है वो बहुत ज्यादा जोर से वीकनेस है, जो शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। पूरे IPL में अभी उनको टारगेट किया था हर बॉलर ने, शॉट जैसे ही वो आते थे शॉर्ट बॉल। अभी न्यूजीलैंड में भी दोनों बार शॉर्ट बॉल। अगर इतना बड़ा ग्लेयरिंग वीकनेस है किसी बैट्समैन का इंटरनेशनल स्टेज पे, और स्पेशली आज की डेट में जब आपका लिटरली एक एक फुटस्टेप भी एनालाइज किया जाता है, अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, व्हाटएवर, आपके ओपोनेंट आपको हर एक बारीकी से देखेंगे, ऐसे में श्रेयस अय्यर का इतनी बार सेम चीज पे आउट होना, इतना ग्लेयरिंग एक वीकनेस दिखना, वो बहुत अच्छा साइन नहीं है इंडियन टीम के लिए। आप
अगर बात करें तो इंडिया के बेस्ट 11 में खेलने के लिए आपको ऐसी बड़ी ग्लेयरिंग वीकनेस नहीं होनी चाहिए. दैट इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल टू बी फेयर. फिर आते हैं ऋषभ पंत पे. एक्चुअली बाकी सारे बैट्समैन के साथ इतना डिबेट नहीं है जितना ऋषभ पंत वर्सेस संजू सैमसन इतना डिबेट हो गया, स्पेशली T20 फॉर्मेट. ऋषभ पंत द टेस्ट बैट्समैन को कोई डाउट नहीं कर सकता. इनफैक्ट मेरा मानना ही है और बहुत सारे लोग मुझसे अग्री करेंगे, आई एम श्योर आप भी अग्री करेंगे, इंडिया के टेस्ट मैचेस में अगले कैप्टन ऋषभ पंत होने चाहिए, केएल राहुल नहीं. पर T20 में, मैं पहले भी एक दो वीडियोस में बोला है, T20 में उनका रिकॉर्ड बहुत खराब है और उन्हें कंसिस्टेंटली चांसेस मिले हैं. 60 से ऊपर मैचेस खेलने के बाद आप ये नहीं बोल सकते हो कि अभी भी इनको ट्राई कर रहे हैं. अभी तक यही चल रहा है कि यार बहुत टैलेंटेड है लड़का, नो डाउट है टैलेंट, बट टैलेंट के साथ एक वो जो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए चीज होती है, स्पेशली इस फॉर्मेट में जहां आपको एकदम ही स्विच ऑन रहना पड़ता है पूरे टाइम, वो कहीं कमी दिखती है एंड उसकी वजह से डाउनफॉल आता है बार 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 ऑलमोस्ट हर इनिंग. अब हम उनको ट्राई कर रहे हैं कि जी ओपनिंग करा दो आप इनसे. हम एक्सपेरिमेंट क्यों करते जा रहे हैं प्लेयर, ठीक है बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स, बहुत सारे कॉमेंटेटर्स, एक्सपर्ट सब यही बोलते हैं ऋषभ पंत एक्स फैक्टर प्लेयर, बहुत टैलेंटेड है. आर यू श्योर कि हमारे पास और कोई टैलेंटेड प्लेयर ही नहीं है कि अच्छा 6 पे नहीं चल रहा 5 पे चल रहे बेटा, 5 पे नहीं चल रहा 4 पे चल रहे, चल ओपन करके देख ले. हमारे पास टैलेंट की कमी एक्चुअली है नहीं. और वहां पे आता है एक्चुअल बड़ा डिबेट संजू सैमसन का, कि हम एक प्लेयर है जिसको हम चांसेस पे चांसेस दे रहे हैं, इतने टाइम से चांसेस दे रहे हैं, और एक प्लेयर है जिसको हम बार बार कहीं टोर्स पे ले जाते हैं और उनको चांस कभी नहीं मिलता है. चांस मिलता भी है तो 4 मैच की सीरीज में से 1 मैच दे दिया, 5 मैच की सीरीज में से 1 मैच दे दिया, यहां तो कुछ भी नहीं मिला. अब ये चीज को एक्सप्लेन करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है. ऋषभ पंत को अगर आप चाहते हैं कि जो ओपनिंग करें, आप चाहते हैं कि वो अपना एक्स फैक्टर रीडिस्कवर करें, अपना स्किल पे एकदम ही प्रूव कर दें दुनिया को, तो why is he not being asked to prove that in the domestic circuit? हमारा डोमेस्टिक सर्किट है सपोज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, IPL है, विजय आ रहे हैं, स्मार्ट है, इस सब टूर्नामेंट में उनको ये क्यों नहीं बोला जा रहा कि जी आप अपना T20 प्रावेस पहले प्रूव करो, हमारे पास ऑलरेडी प्लेयर्स हैं लाइन लगा के खड़े हुए हैं, ओपनर्स की कमी हमारे पास नहीं है, मिडल ऑर्डर बैट्समैन की हमारे पास कमी नहीं है, विकेट कीपिंग बैट्समैन की हमारे पास कमी नहीं है, अच्छे लंबे लंबे छक्के मारने के बैट्समैन की हमारे पास कमी नहीं है, तो हम ऋषभ पंत को इतना ज्यादा परसिस्टेंस क्यों? मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है ऑब्वियसली, मैं हूं कौन उनके साथ दुश्मनी रखने वाला, बट इट फील्स रियली बैड एज द इंडियन क्रिकेट टीम सपोर्टर इन दिस सिचुएशन, कि आपके पास क्लियरली टैलेंटेड प्लेयर्स और जो एक्चुअली काफी टाइम से परफॉर्म करते आ रहे हैं वो बैठे हुए हैं, बेंच पे बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं एट दिस पॉइंट, और सब ये बैठ के देख रहे हैं कि यार ये एक लड़का है जिसको चांस ही मिलता जा रहा है और हमारे को एक्चुअली घूम के देखता भी नहीं है. दैट इज डिसहार्टनिंग. बैटिंग से आते हैं बोलिंग की तरफ. बोलिंग ने परफॉर्म किया है, बोलिंग ने इम्प्रेस भी किया है इस पूरे टूर्नामेंट में. मोहम्मद सिराज ऑलमोस्ट लॉक नाउ, अब उनको हटाना बहुत मुश्किल है लिमिटेड ओवर से भी, टेस्ट में तो लॉक है वो ऑलरेडी, लिमिटेड ओवर से भी हटाना उनको बहुत मुश्किल होगा फॉर श्योर. अर्शदीप कंटिन्यूज टू इम्प्रेस, वर्ल्ड कप में फाइंड ऑफ द वर्ल्ड कप थे वो हमारे, और अब भी इस टूर्नामेंट भी उनका अच्छा रहा. भुवनेश्वर कुमार रिमेन्स कंसिस्टेंट, पर क्या हमें एक्चुअली बेस्ट मिल रहा है उनसे, दैट इज द बिग क्वेश्चन राइट. क्या हमें बस आदत हो गई है कि वो एक लेवल तक रहे, हम रिस्क नहीं लेना चाहते कि ऊपर या नीचे का, तो इस लेवल का तो मिल ही रहा है हमें, तो ठीक है हम ये नहीं रिस्क करना चाहते कि इस नीचे चला जाए कोई और. जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा. वहां पे आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन उमरान मलिक. उमरान मलिक के बारे में वर्ल्ड कप से पहले मैंने ही खुद भी बोला था और बहुत सारे लोगों ने भी बोला था कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, फास्ट बॉलर, इतना फास्ट बॉलर हमारे पास नहीं है कोई, पर वर्ल्ड कप के लिए उनको टीम में रखना थोड़ा सा ज्यादा गैम्बल हो जाएगा बिकॉज एक्सपीरियंस उतना नहीं है उनको, और कई बार ऐसा देखा गया है उनके अगर मतलब लाइन लेंथ पे उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं है, स्पीड है बट कंट्रोल उतना ज्यादा है नहीं. पर इस सीरीज में हम, क्योंकि खासकर हम काफी टाइम तक कोई बहुत ज्यादा T20I मैचेस नहीं खेलते हैं, काफी टाइम तक हमारे कोई T20I सीरीज नहीं है, तो ये सीरीज में उन्हें चांस दे सकते थे हम, वाई नॉट. ऐसा क्या हम रिस्क कर देते भुवनेश्वर कुमार को ना खिला के और उमरान मलिक को खिला के ऐसी सिचुएशन में? इट वुड हैव बीन अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू ट्राई दो स्किल्स आउट अगेंस्ट द वेरी बेस्ट इन द बिजनेस. वो नॉन सिलेक्शन मुझे नहीं समझ आया, खासकर एक संजू सैमसन और एक उमरान मलिक, ये दो प्लेयर्स का होना बनता था, होने चाहिए थे फॉर श्योर, स्पेशली ऐसी सीरीज में जहां आप एक्चुअली आगे का रोड मैप तैयार कर रहे हो. फिर आता है इस सीरीज का जो बड़ा टेक अवे भी कह लो, एक थोड़ा सा क्वेश्चन भी कह लो, इज हार्दिक पांड्या द नेक्स्ट T20I कैप्टन? जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स रहे पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंसेस में भी, बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी, बात करने से ये लग रहा था कि हाँ ये मेरी टीम है टाइप से
उनके स्टेटमेंट आए हैं कुछ कुछ, एंड आई एम प्रेजिंग दैट कि एक बंदा है जो कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है कि जी ये मेरी टीम है, मुझे पता है मैं क्या करना चाह रहा हूँ, लेट मी ट्राई समथिंग आउट, ग्रेट। इफ दैट इज द केस कि हार्दिक पांड्या ही हमारे अगले टी ट्वेंटी आई कैप्टन है, स्पेशली 2024 वर्ल्ड कप को दिमाग में रखते हुए, तो दो चीजें यहाँ पे जरूरी हो जाएंगी आपको। पहला, आपको अभी अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए, बिकॉज जबरदस्ती टांग के कोई फायदा नहीं है, हमें ऑलमोस्ट क्लैरिटी है। एंड एट दिस पॉइंट अगर केएल राहुल को कैप्टनसी मिल जाती है रोहित शर्मा की जगह, तो हम में से बहुत लोग बाल नोच लेंगे अपने। तो आई होप हार्दिक पांड्या को एक्चुअली फॉर्मली अनाउंस कर दिया जाए। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, हार्दिक पांड्या का अनफॉर्चुनेटली इंजरी रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है पिछले कुछ टाइम। अभी पिछले एक आध साल से फिट है वो, थैंकफुली अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं रेस्पोर्ट, पर अगर खुदा ना खास्ता गलती से भी टूर्नामेंट से पहले उस टाइम कोई भी निगल भी हो जाता है, तो हमें अभी से ही हार्दिक पांड्या को अगर हम ग्रूम कर रहे हैं एज द लीडर, तो हमें अभी से ही एक या एटलीस्ट एक नहीं तो दो तो वाइस कैप्टन टाइप मटेरियल भी तैयार करने पड़ेंगे साथ, क्योंकि जस्ट इनके बड़े टूर्नामेंट से पहले कुछ इस टाइप का हो जाता है, कुछ इंजरी पिकअप कर लेते हैं, कुछ भी होता है, तो हमारी टीम ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि यार फिर से डायरेक्शन लेस हो गई, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है टीम के साथ। तो ये एक अगर, तो अगेन आई एम नॉट क्लेमिंग दैट मुझे पता है क्या होने वाला है, बट अगर ये चीज है दिमाग में, एंड होपफुली ये है हार्दिक पांड्या गुड कैप्टनसी चॉइस एट दिस पॉइंट, पर उनके साथ एक साथ में लीडरशिप ग्रुप भी बनाना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको नहीं पता, स्पेशली ऐसे प्रोफेशनल स्पोर्ट में आपको नहीं पता कि कब किसको किस टाइप की इंजरी हो सकती है। हमारे दो स्टार प्लेयर्स अभी वर्ल्ड कप से पहले भी इंजर हो गए थे, बुमराह और जडेजा, और उनकी कमी महसूस हुई थी फॉर श्योर। सोचो अगर रोहित शर्मा इंजर हो जाते, कैप्टन की कमी और ज्यादा महसूस होती, बिकॉज फिर केएल राहुल कैप्टन होते हैं, एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू, बट या दैट इज वन थिंग दैट आई फील शुड बी डन अभी से ही। अगर ओवरऑल बात करें टी ट्वेंटी आई रोड मैप की, अभी हमारे बीसीसीआई ने सारे सिलेक्टर्स को फायर कर दिया, पूरे सिलेक्शन कमेटी को हटा दिया, मेन सिलेक्शन कमेटी को, चेतन शर्मा वगैरह को, बेस्ड ऑन की किस तरह की परफॉर्मेंस रही उनकी, और स्पेशली हमारा वर्ल्ड कप में क्या हाल हुआ। आगे आने वाले सिलेक्शन टीम के लिए, मैनेजमेंट के लिए, और ओवरऑल बीसीसीआई के लिए भी काफी सारी चीजें हैं जो उनको फिक्स करनी पड़ेगी, काफी सारी चीजें हैं जिन पे उन्हें काम करना पड़ेगा। प्रॉपर रोड मैप इन प्लेस, एक्चुअल विजन इन प्लेस कि हाँ किस तरह से हम खेलना चाहते हैं। अगर आप यही इंग्लैंड के साथ कंपेयर करें, 2015 में काफी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हुई थी उनकी वर्ल्ड कप में, और उसके बाद से उन्होंने पूरा ही अपना रोड मैप बिल्कुल फ्लिप कर दिया कि हम इस तरह से व्हाइट बॉल क्रिकेट में परफॉर्म करेंगे, हम इस टाइप के प्लेयर्स को खेलाना चाहते हैं, इस टाइप के प्लेयर्स खेलेंगे नहीं। उसके बाद से जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे लेजेंडरी बॉलर्स वो खेले ही नहीं है इंग्लैंड के लिए व्हाइट बॉल में। तो ये सारी चीजें हमें भी काफी हद तक सीखनी पड़ेंगी, बिकॉज इंग्लैंड आज की डेट में दोनों व्हाइट बॉल टाइटल्स होल्ड करते हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप भी उनके पास है, टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीत लिया, ऑब्वियसली कुछ ठीक किया है उन्होंने, एंड अगेन दीज आर नॉट क्विक फिक्सेस, टाइम लगता है फॉर श्योर, पर पिछले काफी टाइम से वो डिफरेंस दिख रहा है उनके प्लानिंग में, और इस टाइप का प्लानिंग का एक बेस हमें भी जरूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें इस टाइप के मॉडर्न गेम में अगर हमें सक्सीड होना है, तो एक प्रॉपर रोड मैप के बिना हम चल नहीं पाएंगे, एक प्रॉपर आइडेंटिटी के बिना हम चल नहीं पाएंगे। हमें एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा कि डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस को रिवॉर्ड किया जाए, जो प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट में और इवन आईपीएल में, उनको ये एटलीस्ट होप तो हो कि हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें एक्चुअली खेलने को मिलेगा, नॉट जस्ट टीम के साथ ट्रैवल करने को मिलेगा। उसके बाद आता है जो सीनियर्स वाली बात काफी हुई है, वहां पे हमें थोड़ा सा टाइट और होना पड़ेगा कि हम क्लैरिटी एकदम रखें कि जी अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली टी ट्वेंटी में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फास्ट इवॉल्विंग फॉर्मेट हो गया है और बहुत ज्यादा आप पीछे नहीं हो सकते हो जस्ट टू कि हाँ यार चलो इस बंदे को भी चांस दे देते हैं, इस बंदे को एक और चांस दे देते हैं, एक और सीरीज दे देते हैं, इस तरफ खिला के देख लेते हैं, उस तरफ खिला के देख लेते हैं। ये करने में ना हम बाकी टीमों से पीछे होते जाएंगे और ये करना फिर अपना ही नुकसान करेंगे हम ये सब करके। तो ये सारी चीजें क्लैरिटी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ करनी पड़ेगी गोइंग फॉरवर्ड। अगेन अगले एक आध महीने दो महीने तक कोई टी ट्वेंटी इंटरनेशनल मैचेस नहीं है इंडिया के, और अगले पूरे साल में काफी कम मैचेस हैं क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप है 2023 में अक्टूबर में, और उसके प्रिपरेशन में ज्यादा वनडे मैचेस ही होंगे फॉर श्योर। पर दो साल बाद जो वर्ल्ड कप है उसकी तैयारी तो आपको अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी, इवन इफ नॉट ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड बैक रूम में, तो आपको उसकी तैयारी उसका एक विजन अभी से बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी टीमें ऑलरेडी शुरू कर चुकी हैं ये काम। आपको क्या लगता है हमें टी ट्वेंटी आई सेटअप में क्या करने की जरूरत है गोइंग फॉरवर्ड, और आपको ये जरूर बताना है मुझे कॉमेंट्स में कि आपके हिसाब से संजू सैमसन ने ऐसा किसका क्या बिगाड़ा है जो उनके साथ ये किया जा रहा है।
क्योंकि आई थिंक हम सारे अगर क्वेश्चन करेंगे जो भी हमारी वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होंगी, किसी ना किसी एक की तो सही होगी फॉर श्योर। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें इसे और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस बढ़ती कम्युनिटी, इस बढ़ती स्पोर्टिंग कम्युनिटी का आप हिस्सा बन पाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।